आज हम आपको दुनिया के ऐसे 10 देशों के बारे में बताएंगे जिनके पास सबसे ज्यादा बाहरी कर्ज है। बाहरी कर्ज का मतलब ये हुआ कि तमाम देशों से उन्होंने कर्ज लिया हुआ है और अब उनकी स्थिति ऐसी है कि उनको कोई भी देश कर्ज नहीं दे रहा है। देश को छोड़ दीजिए, वर्ल्ड बैंक तक अब उन्हें कर्ज देने में हिचकिचा रहा है। ऐसे वो कौन से देश हैं जिन्होंने इतना कर्ज लिया है, उन पर सबसे पहले नजर डालते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जो आता है वो है अंगोला, बांग्लादेश, इथोपिया, घाना, केनिया, मंगोलिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और जाम्बिया का। ये दुनिया के सबसे 10 बड़े उधारकर्ता हैं और इसी में है अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान। ये भी उन देशों की लिस्ट में है जिन्होंने सबसे ज्यादा कर्ज लिया हुआ है और कर्ज को लेकर इमरान खान की खूब आलोचना हुई है। बीते सालों में जब से इमरान सरकार सत्ता में आए हैं तब से उनकी जो आलोचना है कर्ज लेने की वजह से खूब मीडिया ने की है। लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा हुआ है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान उन शीर्ष 10 कर्जदार देशों में शामिल हो गया है जिनके पास सबसे ज्यादा बाहरी कर्ज है। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 महामारी के बाद ऋण सेवा निलंबन पहल यानी कि DSSI का पात्र बन गया है। इस वजह से उसे अब विदेशी कर्ज हासिल करने में मुश्किल आ सकती है। विश्व बैंक द्वारा जारी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय ऋण सांख्यिकी का हवाला देते हुए पाकिस्तानी अखबार द न्यूज इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि बड़े कर्जदार समेत DSSI की जद में आने वाले देशों को प्राप्त कर्ज की दर में व्यापक अंतर रहा है। DSSI के मुताबिक दुनिया के 10 बड़े उधारकर्ताओं में अंगोला, बांग्लादेश, इथोपिया, घाना, केनिया, मंगोलिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और जाम्बिया शामिल हैं। यानी कि ये वो देश हैं जिनको अब शायद कभी कर्ज ना मिले। अगर कर्ज मिलता भी है तो जो ब्याज दर होगा वो ज्यादा होगा और इस बार जो शर्तें होंगी वो पुराने कर्जों की तरह नहीं होंगी। एक और खास बात इसमें ध्यान देने वाली है कि कोविड-19 के बाद जो भी कर्ज पाकिस्तान ने लिया है उसका जो ब्याज दर था वो पहले के कर्ज के मुकाबले ज़्यादा था। यानी कि कर्ज लेने में जब मुश्किल हो रही थी तो उसने ज़्यादा ब्याज दर पर कर्ज उठा लिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये पाकिस्तान कर्ज चुकाएगा कैसे। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, जिन देशों ने कर्ज लिया है उनके लिए मुश्किलें हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान पड़ोसी देश है तो उसके नाते हम बता रहे हैं आपको कि ऐसे में जब वहाँ पर हालात अस्थिर होंगे तो वो क्या करता है आपको पता ही है। पैसे की उगाही करने के लिए गलत गलत काम करता है, इसके अलावा आतंकियों को पनाह देता है, भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश करता है। ये तमाम चीज़ें पैसे की उगाही के लिए पाकिस्तान करता रहता है। इसके अलावा आगे इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इनका संयुक्त विदेशी ऋण 2022 के अंत में $509 अरब था। यानी कि इन 10 देशों को मिलाकर जो कुल कर्जा है वो $509 अरब था, जो 2019 के मुकाबले 12% अधिक है। ये DSSI के दायरे में आने वाले सभी देशों के कुल विदेशी कर्ज का 59% रहा है, जबकि हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर जितना कर्ज है उसमें इमरान सरकार का योगदान महज 40% है। इन हालात में उसे दुनिया से कर्ज मिलना मुश्किल हो सकता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के लिए विदेशी ऋण शेयरों में 8% की वृद्धि वाणिज्यिक बैंकों से भुगतान रुकने और नई क्रेडिट लाइन का समर्थन करती है। इसके अलावा पाकिस्तान में दूसरे निजी लेनदारों से शुद्ध प्रवाह भी 2020 में 15% से बढ़कर $14 अरब हो गया, जबकि FDI प्रवाह मामूली रूप से $1.9 अरब तक गिर गया। ऐसे में पाक को नया कर्ज मिलना आसान नहीं होगा। आपको बता दें कि इस वक्त हर पाकिस्तानी नागरिक पर लगभग 1,75,000 रुपए का कर्ज है। यानी अगर इस हिसाब से आप मिलाएं तो जो पूरी आबादी है पाकिस्तान की उसमें हर व्यक्ति के ऊपर 1,00,000 यानी कि अमूमन 2,00,000 के आसपास का कर्ज है। लेकिन ये कर्ज जैसे जैसे बढ़ रहा है ये मुश्किलें देश के लिए और बढ़ा रहा है। पेरिस क्लब का भी कर्जा पाकिस्तान पर है। पाकिस्तान को $11.5 बिलियन जो है वो पेरिस क्लब को देने हैं। इसके अलावा जो कर्ज है 2021-20 फिस्कल ईयर के मुताबिक वो है $56.9 मिलियन और ये आंकड़े जो हैं वो IMF के हैं और उन्होंने बताया है कि इस वक्त पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा कर्ज है। कर्ज इतना है कि लगभग 90% जो है जो GDP का जो हिस्सा है वो कर्ज ही है। इसके अलावा साल 2019 के 31 दिसंबर तक पाकिस्तान पर लगभग $40.94 ट्रिलियन रुपयों का कर्ज था और ये बढ़ते हुए अब लगभग 45-50 के आसपास हो गया है। और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान का एक व्यक्ति लगभग 3,00,000 रुपये तक का कर्जदार हो जाए। यानी कि वहाँ की जो कुल 21.66 करोड़ की आबादी है हर व्यक्ति को 3,00,000 या 2,00,000 रुपये अदा करने पड़ सकते हैं। We'll be right back.